नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर जैसलमेर से आ रही है, जहां जिंदा हैंड ग्रेनेड मिला है और उससे आसपास के लोगों में दहशत मच गई है। नाजलार गांव में यह हैंड ग्रेनेड मिला है, जमीन में दबा हुआ जिंदा हैंड ग्रेनेड ये बताया गया है। बारिश के चलते मिट्टी की सतह पर आ गया, नीचे से अपने आप जब बारिश का पानी गिरा तो मिट्टी के कटाव के कारण ये ऊपर आ गया। जिंदा हैंड ग्रेनेड बताया जा रहा है। इसकी सूचना मिलने पर BSF को इसकी जानकारी दी पुलिस ने और फिर हुकुम सिंह की ढाणी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने फिर मौके पर पहुंचकर BSF को इसकी जानकारी दी। अब जाना दिलचस्प होगा कि ये हैंड ग्रेनेड किसकी तरफ से यहां लगाया गया था, कहां से आया, या सिर्फ BSF का ही हैंड ग्रेनेड था या फिर और ने इसको यहां पर प्लेस किया था। श्रीकांत व्यास हमारे सहयोगी जैसलमेर से जुड़ेंगे। तो मौके पर पुलिस पहुंची और फिर BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जानकारी दी गई। सरहदी इलाका है जैसलमेर, पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है और वहां पर जिंदा हैंड ग्रेनेड मिलना अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। उसको लेकर BSF की टीम ने हालात का भी मुआयना किया होगा। निश्चित रूप से अब श्रीकांत व्यास से ज्यादा जानकारी लेंगे इसकी। श्रीकांत, किस जगह पर यह जिंदा हैंड ग्रेनेड मिला है और किस स्थिति में था, अब कहां, क्या लोगों ने इसे ढूंढा या फिर सिक्योरिटीज ने इसकी पड़ताल की और उन्हें यह मिल पाया? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो जिंदा हैंड ग्रेनेड है ये म्याजलार के पास जो हुकुम सिंह की ठाणी है वहां पर मिला है। वहां पर कुछ लोगों को ये हैंड ग्रेनेड दिखा, इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। म्याजलार और जिन्याली जो थाना पुलिस है वो वहां पर पहुंची, इसके बाद BSF को भी सूचना दी गई। BSF के अधिकारी भी पहुंचे, मौका मुआयना किया। वहां पर एक जो हैंड ग्रेनेड मिला है ये काफी पुराना बताया जा रहा है। इसकी कंडीशन जो है वो ऐसी है कि पुराना लेकिन ये जिंदा है, अभी भी ये हैंड ग्रेनेड जो है वो एक्टिव हैंड ग्रेनेड है, जिंदा हैंड ग्रेनेड है। और हो सकता है कि पास में ही जो है पहले भी ऐसे एंटी लैंडमाइन मिसाइल्स मिले थे, कई माइंस मिल चुके हैं, कई बार पहले भी ऐसी बमनुमा वस्तु मिली है। क्योंकि भारत पाक जो सरहद है वो काफी नजदीक है यहाँ से, और युद्ध के दौरान कुछ चीजें छूट जाती है, जमीन में दबी रह जाती है, और जब आंधी तूफान बारिश इस तरह के हालात होते हैं तो जमीन में दबी चीजें बाहर निकलती है। और माना जा रहा है कि उसी में से जो है, जब अभी पिछले दिनों 3-4 दिन बारिश चली उसके बाद जब मौसम साफ हुआ और रेत हटी है तो रेत में दबी चीजें सामने आई, तो उनमें से ही जो है ये हैंड ग्रेनेड भी सामने आया होगा, ये संभावना जता जा रही है। और अब जो रेत के जो बैग्स है वो प्लास्टिक बैग्स भरकर चारों तरफ रखे गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई ब्लास्ट ना हो जाए, आसपास लोग ना जाए। बम निरोधक दस्ता आकर इसे ले जाएगा, डिफ्यूज करेगा, इसकी जांच पड़ताल करेगा। हालांकि 13 दिन पहले भी जो है ऐसा ही एक जो है ऐसी एक घटना सामने आई थी जिसमें एक जो है एंटी लैंडमाइन जो मिसाइल है वो मिली थी। ऐसे कुछ एंटी माइंस मिले थे जो कि जमीन में गड़े होते हैं, छोटे से बम नुमा होते हैं, उसे भी डिफ्यूज करना है तो उसके लिए भी बम निरोधक दस्ता आने वाला था। उसको भी 13 दिन हो गए हैं, इसको पुलिस की सुरक्षा में रखा गया है और आज ये हैंड ग्रेनेड मिल जाना, तो अब यह है कि कब बम निरोधक दस्ता आए और इसे डिफ्यूज करे, इसे यहाँ से ले जाकर इसको निष्क्रिय करे या नष्ट करे, उसकी जो है अब इंतजार करना होगा। अभी जो है मौके पर पुलिस और BSF के अधिकारी पहुंचे थे और उन्होंने जो है उसे सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए जो प्राथमिक उपचार, प्राथमिक जो तत्काल जो कार्रवाई कर रही थी वो की है। जी श्रीकांत, क्या ये किसी रिहायश इलाके में मिला या फिर सरहद की तरफ किसी खाली जगह पर दबा मिला ये जो बाहर आया मिट्टी? जी अब तक मनीष जी, अब तक जो सूचना मिली है ये म्याजलार जो गांव है ये सरहदी इलाका ही है। हाँ। इसी के पास बहुत सी छोटी छोटी ढाणियां हैं। जैसलमेर में 17 वर्ग किलोमीटर पर कुछ एक लोग रहते हैं, ऐसा यहाँ का रेशियो है, काफी दूर दूर ढाणियां बसी, तो उसी छितरे क्षेत्र में कहीं ये हैंड ग्रेनेड ग्रामीण इलाके में हुकुम सिंह की ढाणी और म्याजलार के आसपास का जो इलाका है वहां मिला है। अभी तक एक्यूरेट लोकेशन जो है वो सामने नहीं पता चल पाई, लेकिन अब तक जो जानकारी आई है करीब 5 बजे के आसपास का ये सारा घटनाक्रम है जब जानकारी मिली और पुलिस और BSF वहां पहुंची। जी करीब करीब 2 घंटे हो गए श्रीकांत, अगर 5 बजे की घटना है तो क्या BSF की तरफ से कुछ औपचारिक तौर पर इस बारे में कुछ कहा गया है?
संक्षिप्त में? एक प्रक्रिया है कि बीएसएफ पहुंच जाती थी क्योंकि सरहदी इलाका है, उसे सिक्योर करने के लिए पुलिस के साथ। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक बातचीत इस पर नहीं हो पाई है। पुलिस का ये कहना है कि जो है ऐसे कई माइंस हैंड ग्रेनेड्स जो है वो मिलते रहते हैं क्योंकि सरहदी इलाका है, युद्ध की स्थितियों के वक्त कुछ चीजें छूट जाती होगी, सरहद से नजदीक है तो धूल मिट्टी में दबे रह गए। और सालों बाद जब इतनी भयंकर बारिश, 18 साल बाद इस तरह की बारिश हुई है तो काफी जमीन में दबी चीजें बाहर आ गई और काफी चीजें जमीन दोज हो गई है। तो उसी बीच ये ग्रेनाइट भी शायद जमीन से बाहर आ गया हो क्योंकि इसकी हालत जो है वो देखकर ऐसा लगता है कि ये सालों पुराना है। बहुत शुक्रिया श्रीकांत इस जानकारी के लिए। आपने बताया कि देखकर लगता है कि सालों पुराना हो सकता है, लेकिन बीएसएफ की तरफ से जो औपचारिक बयान है उसका भी इंतजार रहेगा। अगली खबर का रुख करेंगे जहां जैसलमेर से तेज धमाके से जैसलमेर के लोग दहल गए। 40 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी है। आपको बताएं कि बड़ो गांव के बीच आसमान से कुछ गुजरने की सूचना मिली। सदर थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची है और जांच में अब जुट गई है। तो आसमानी किता और बड़ो गांव के बीच में ये घटना हुई है। इस पर भी सीधे हमारे साथ श्रीकांत मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। जैसलमेर से खबर है, श्रीकांत इस खबर में क्या कुछ अपडेट? 40 किलोमीटर तक आवाज जाना एक बड़ी घटना है वाकई में। ये क्या कुछ किस तरह का ऑब्जेक्ट है, इसको लेकर कोई सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुछ जानकारी दी अभी तक? तो श्रीकांत का रुख करेंगे एक बार फिर से। उससे पहले आपको एक ये जानकारी, बड़ी अहम जानकारी आ रही है। कितो और बड़गांव के बीच आसमान से कुछ गिरने की ये सूचना मिली है, जहां सदर थाना इलाके का मामला है, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंची है। श्रीकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, इस पर क्या कुछ कहना सिक्योरिटी फोर्सेज का और क्या कुछ शुरुआती जाँच में सामने आया, क्योंकि 40 किलोमीटर तक आवाज़ सुनाई देना धमाके की अपने आप में एक बड़ी घटना। मनीष देखिए, 40 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी, आसपास के काफी लोग जो है डर गए, सहम गए, घरों से बाहर आ गए। किसी ने सोचा मकान गिरा तो किसी ने सोचा भूकंप है। ऐसी लोगों का कहना है कि ऐसी आवाजें कुछ दिन पहले भी सुनाई दी थी, तब इसे मौसम और आकाशीय बिजली से जोड़ दिया गया था। लेकिन इस बार का जो धमाका था, जो आवाज थी वो काफी थी। अब ये धमाका किस चीज का था, आवाज किस चीज की थी, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये अभी भी एक मिस्ट्री है कि आवाज कहाँ से आई और कैसे आई। पुलिस जो है उन्हें सूचना मिली थी तो उन लोगों ने भी अपने स्तर पर जो जांच पड़ताल करनी चाहिए, उन्होंने जागरूकता रखते हुए जांच पड़ताल की, लेकिन अभी तक कुछ सामने इस मामले में आया नहीं है। करीब 1:30 से 2 बजे के बीच की सारी घटनाएं, हमने भी ये आवाज जो है वो सुनी थी। हम भी फील्ड में जब मौजूद थे तो ये आवाजें हमें भी सुनाई दी थी। पहली सूचना कीता से आई थी, इसलिए लोगों ने सोचा कि वहां कुछ गिरा होगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले मेरी पुलिस अधिकारियों से बात हुई तो उन लोगों का ये कहना था कि अभी तक हमको कुछ मिला नहीं है, सूचना पहले वहां से आई थी तो हमने पहला जो है क्विक टीम वहां भेजी लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। और अलग अलग जगहों से फिर सूचना आना शुरू हुई, सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया, तो समसन ड्यून्स के आसपास के जो इलाके के ग्रामीण है उनमें से भी कुछ लोगों ने ये कहा कि वहां भी आवाजें सुनाई दी। हम लोग यहाँ के भोपा पिथोड़ा मार्ग पर थे जो कि यहाँ से करीब 20 किलोमीटर के आसपास दूरी रखता है जिला मुख्यालय से, वहां पर भी कुछ इसी तरह की आवाजें हमें सुनाई दी। कुछ लोगों ने इसे भूकंप का नाम दिया तो किसी ने इसे धमाका कहा, किसी ने इसे गूंज कहा, लेकिन स्पष्ट अब तक पुख्ता जानकारी नहीं आई। इसी बीच जो है वो पुलिस ने एक अपील भी की है कि जो एक फोटो बार बार वायरल हुआ जो 1 साल पुराना था, इस तरह के पुराने फोटो ना वायरल करें, पुलिस को और आम लोगों को गुमराह ना करें। तो लोगों से भी अपील है कि इस तरह की घटनाओं पर पुख्ता जानकारी आने तक इंतजार करें और नजरें गड़ाए रखें। कुछ पुख्ता होगा तो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस तरह के वीडियो फोटो आने से कहीं ना कहीं भ्रम फैलता है, लोग बिल्कुल बिल्कुल का माहौल जो है वो और अधिक बढ़ जाता है। बिल्कुल श्रीकांत एकदम सही कहा, सोशल मीडिया के दौर में वाकई सावधानी और सावचेती बरतनी चाहिए, किसी भी तरह के भ्रामक तथ्य में ना आए जब तक कि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो। जो आपने रिपोर्ट भेजी है, श्रीकांत ने आपके लिए रिपोर्ट भी भेजी है, वो भी इस मामले पर आपको दिखाते हैं। जैसलमेर शहर सहित आसपास के 40 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में एक साथ धमाके की आवाज सुनाई दी। लगभग 2 बजे का वक्त था और इस धमाके की आवाज ने शहर सहित
आसपास के 40 किलोमीटर में रहने वाले वाशिंदों की नींद उड़ा दी। दोपहर वक्त का वक्त था, कोई ऑफिस में था, कोई दुकान में था, तो कोई घर का काम कर रहा था, और इस धमाके ने लोगों को जो है वो घरों से बाहर निकाला। लेकिन अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये धमाके कहाँ हुए। पहले सूचना मिली कि कीता और जो बरोड़ा गाँव क्षेत्र है उसके आसपास ये धमाके की आवाज जो है वो काफी तेज सुनाई दी गई थी। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। सदर थाने के एसआई से हमने बातचीत की, उनके हल्के में अभी तक ऐसी सूचना जो है वो मिलने के बाद कहां कुछ हुआ है ये नहीं पता चल पाया है। किस तरह के धमाके आए, कितने बजे का वक्त था, क्या कुछ हुआ, आप कहां थे? मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ था तो अचानक धमाका हुआ, तो मैंने बाहर निकला तो देखा कि बम जैसे विस्फोट जैसे हुआ सुनाई दी है। अभी दो दिन पहले भी ऐसा धमाका हुआ, कोई भी पता नहीं चला किस कारण से हुआ था, और डर भी लग रहा है, बारिश का मौसम हुआ है। देखिए डर का माहौल है ना, उनका पहले भी ऐसी आवाज आई थी, फिर पता चला कि वो हो सकता है बिजली गिरी हो, लेकिन इतनी जोर की आवाज नहीं होती। कहा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में भी थी, किस तरह के हालात है वहाँ? मैं गांव से आ रहा था बाइक पे, जोरदार धमाकेदार आवाज हुई, उसके साथ मैं रुका तो फिर देखा चारों तरफ से सन्नाटा हुआ था और ग्राउंड में घबराहट भी है। क्या कुछ लग रहा है, गाँव वाले क्या कह रहे हैं? धमाकेदार है, कोई चीज की गिरने जैसी आवाज है, बिजली वगैरह या ऐसी आवाज थी। देखिए अभी तक जो है कुछ पता नहीं चल पाया है। आप कहाँ थे उस वक्त और क्या कुछ किया? मैं घर में खाना खा रहा था, खाना खाते हुए धमाके की आवाज सुन के मैं बाहर दौड़ा और देखा इधर उधर, पूछा तो पता नहीं चला, पर आवाज सभी ने काफी लोगों ने सुनी थी। अब पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ से आवाज आई, किसकी थी, क्या थी, कुछ भी ऐसा पता नहीं चल रहा है। देखिए कुछ और लोग धमाके की आवाज सुनाई दी थी, किस तरह का धमाका था, 2 बजे के आसपास क्या कुछ? 2 बजे के पास जब मार्केट से यहाँ आया, अचानक से एकदम जोरदार जैसे कुछ ब्लास्ट हुआ वैसा धमाके की आवाज आई। अभी तक पता नहीं चला है उसके कारण क्या है, कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, इसका कोई पता नहीं चला है अभी तक, पर आवाज बहुत भयंकर थी। कुछ हुआ निकल कर बाहर आ गए थे और एक फोटो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ, हालांकि वो फोटो जो है वो मार्च 2023 का बताया जा रहा है, जब चांदन के आसपास इस तरह की घटना घटी थी। लेकिन अभी जो है वो आवाज किस चीज की थी, क्या दुर्घटना घटी, क्या आसमान से कुछ गिरा या फिर कुछ टूटा, कुछ क्या हुआ ये कुछ पता नहीं है। लेकिन दहशत का माहौल जो है वो शहर सहित आसपास के इलाकों में, और हमने भी ये आवाज सुनी थी, हम लोग भी ग्रामीण इलाकों में थे, बारिश का जायजा ले रहे थे, लेकिन उसी बीच इस तरह की घटना ने जो है वो लोगों के मन में डर जो है वो पैदा कर दिया है। और पुलिस जो है जुटी हुई है ग्रामीण इलाकों में, प्रयास कर रही है, हम भी अपने सोर्सेज यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।